हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा और जो आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आने वाला ना, तो इसमें मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, ये आपके काम आएगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर जो मैंने बच्चों को प्रोवाइड करा था ये वही है। ठीक है, तो ये इस बार भी आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है। और देखो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, बहुत से बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी करिए। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में बताया कि शहनाई जो है वो पुंगी से कैसे डिफरेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पर शहनाई जो है वो मेलोडी साउंड देती है, अच्छी साउंड देती है, जबकि पुंगी जो है वो अनप्लीजेंट मतलब बेकार साउंड देती थी। और पुंगी को बैन कर दिया गया था जबकि शहनाई को बैन नहीं किया गया था। तो ये आंसर में लिखा था। उसके बाद ठीक है, बाकी आप पूरे पेपर की तैयारी अपने तरीके से करना। ठीक है, तो ये तो दो चार क्वेश्चन का जो टाइम मिला मैंने लिख दिए हैं, बाकी आपकी तैयारी पूरी अच्छे से होगी और बहुत अच्छा पेपर आएगा। ईजी है, मतलब पैसे इस बार बहुत ज़्यादा है, आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो दो चार क्वेश्चन ही लिखे हैं, ठीक है, थोड़ा सा गाइडेंस है ना। तो बिस्मिल्ला खां को जो है बिग ब्रेक जो है वो कब मिला, कैसे मिला? तो बिस्मिल्ला खां को बिग ब्रेक 1938 में मिला था। उन्होंने कोई चांस मिला था शहनाई पे जाने का ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि डज बिस्मिल्ला खां लव इंडिया एंड बनारस, कि क्या जो बिस्मिल्ला खां है वो इंडिया और बनारस को पसंद करते थे, और तो कैसे पसंद करते थे? तो ही रिफ्यूज टू से, देखो उन्होंने जो है यूएसए में जाने के लिए मना कर दिया, उन्होंने है ना कर दिया था ना मना, और उन्होंने क्योंकि वो गंगा और डुमराव से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो ये इसमें आंसर लिखे, बाकी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। फिर पूछा गया है कि जो केजे के जो फादर हैं मैकडोनल्ड के पापा से कैसे अलग हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिखा गया। ठीक है, शॉर्ट में आएगा तो आप थोड़ी डिटेल लिख देना, जैसे इतना लिख देना कि केजे फादर जो है वो बहुत बिजी पर्सन थे और वो बहुत ज़्यादा हार्श थे, कठोर थे। केजे जो है अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। ठीक है, दूसरे मैकडोनल्ड जो है वो केजे के जो है वो क्या नेबर हैं। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ, ही हैड फाइव चिल्ड्रन, पहले सुन लो, उनके पांच बच्चे थे और ही लव्ड देयर चिल्ड्रन वेरी मच, वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। ही आल्सो प्लेड विद देम, उनके साथ खेलते थे। ही वॉज वेरी गुड एंड हैप्पी, वो बहुत खुश थे, हैप्पी थे, ठीक है, अच्छे थे। और ही वॉज नॉट हार्श, वो हार्श नहीं थे। ठीक है, अगर मान लो दो नंबर में आता तो इतना बहुत है आंसर। ठीक है, लेकिन लोग आएगा तो नीचे पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। एक बात और बताता हूँ, देखो अगर कभी भी कोई पैराग्राफ आता है, आपकी कोई डायरी एंट्री आती है, आपने कोई चैप्टर अच्छे से कर रखा है ना, तो उसके बारे में सोचा करो कि क्या वो पैराग्राफ, क्या वो डायरी एंट्री उस चैप्टर रिलेटेड है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, तो उस चैप्टर की स्टोरी लिख दो। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं ना पैराग्राफ आ गया, डायरी एंट्री आ गया, तो उनके दिमाग में समय आता नहीं कि मैं क्या लिखूँ। चाहते अगर कोई नहीं आ गया तो मैं, ये सबसे आसान तरीका होता है कि आपने पुराने 8वीं में 7वीं में 6वीं में 9वीं में ही कोई अगर चैप्टर पढ़े तो उससे रिलेटेड सोचा करो कि क्यों उससे रिलेटेड कोई कहानी है। ठीक है, जैसे एक नेबर वाला जो है ना पैराग्राफ आने के चांस है ना, तो नेबर वाला आप मैकडोनल्ड के बारे में, जैसे मैकडोनल्ड के बारे में लिख रहे हो ना कि मैकडोनल्ड अच्छे थे, ये थे, वो थे, तो उसी तरीके से आप जो है अपना पैराग्राफ लिखो। तो मैकडोनल्ड की जगह कोई और नाम लिख दो अपने पड़ोसी का, और इस तरीके से लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से ना मतलब याद रखना कि कोई भी अगर डायरी एंट्री आती है, ठीक है, या कोई भी अगर आपका जो पैराग्राफ आता है, तो आप अपने चैप्टर से रिलेटेड उसकी कहानी पूरी उसमें लिख देना। इससे बहुत आसान होगा, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कोई पैराग्राफ या डायरी एंट्री। ठीक है, होप समझ गए होगे आप कि क्वेश्चन आंसर आप आराम से कर लोगे। तो देखो, ये मैंने बड़ा क्वेश्चन आगे लिखा है, जो केजे के जो फादर हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी के भले के लिए करते हैं। हमारे भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इसलिए करते हैं। ठीक है, ही लव्ड वेरी मच टू हर, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपके माँ बाप को ठेस पहुंचे, दुख पहुंचे, तो बहुत मेहनत करो। ठीक है, मेहनत से आप जीवन में सफल हो सकते हैं। वन डे व्हेन शी वाज केयरिंग, एक बार वो डर रही होती है। अच्छा, एक बात और, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड धीरे भी कर सकते हैं, यूट्यूब में 3 डॉट है, थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा स्पीड से बताऊंगा। ठीक है, तो वन डे एक बार क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। ठीक है, ही मूव्ड अवे हर फियर, जबकि उसकी जो पापा है उसका जो डर है वो हटा देते हैं। ठीक है, उसके हेड पर चूमते हैं, किस करते हैं। उसके बाद देन शी रिलाइज, तब उसे महसूस हो जाता है दैट हर फादर आल्सो लव्ड हर वेरी मच, तो उसको पता लग जाता है उसके पापा के बाद जो है। देखो, ये जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ आ सकते हैं, जुड़ने की सेम है, क्योंकि 9वीं में ये मान के चले जाते हैं कि बच्चा अपने आप बना के लिख देगा, है ना। तो माई नेक्स्ट डोर नेबर अ पर्सन यू मेट लास्ट वीक, एक पर्सन जिसे तुम लास्ट वीक मिले थे, माई फ्रेंड एंड फैमिली, तो ये हैं। तो और डायरी एंट्री ये वाली आ सकती हैं कि जैसे पिछली रात को आपने ना आपके घर में चूहा या छिपकली जो है आ गई, और तो आप बताओ आपने क्या अनुभव किया, डर गए या आपने बहुत मतलब कैसा फील किया। उसके बाद नेक्स्ट वाला है कि आपने ना
मदद करी थी नेचुरल या कोई मैन मेड डिजास्टर हो गया, मतलब कोई आपदा आ गई, भूकंप या बाढ़ आ गई, ठीक है, जैसे भी आपने देखा था उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से ग्लेशियर गिर गया था, तो कोई भी घटना के बारे में आपने देखा और आपने फिर किस तरीके से उनकी मदद करी, तो वो है। तो डिस्क्रिप्शन में भी आप जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी ना मैंने जो मतलब वर्कशीट थी, जो जो मिड टर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो भी मतलब वर्कशीट आ रही है, उसको मैंने एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया ताकि आपको एक ही साथ सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना रखे, तो वो भी आप देख लेना। बाकी कुछ जिसके नहीं बना रखे थे तो मैंने उसके क्वेश्चन के आंसर नीचे भी कर दिए हैं। पहले एक क्वेश्चन देख लो जो मैंने सिलेबस से लिखे हैं, उसके बाद नेक्स्ट है यू हैव जस्ट रिटर्न आफ्टर वॉचिंग ए म्यूजिक कॉम्पिटिशन। अभी आप जो है म्यूजिक कॉम्पिटिशन से आए, उसके बाद जो आपने देखा था रियलिटी शो भी हो सकता है, कोई टीवी हो सकता है, तो आपको डायरी एंट्री उसमें पूरी मेंशन करनी है। अच्छा, आपके ग्रामर में जो है आ रही है टेंसेस आ रहे हैं, तो टेंसेस तो आपके ये थोड़ी आएंगे ट्रांसलेशन की हिंदी इंग्लिश बनाओ, तो उसमें करेक्ट फॉर्म वर्ब होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसमें अगर ये टूडे एवरीडे डेली लिखा आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और आपको पता होगा जो सिंगुलर होते हैं उसमें ऐसे ईएस लगता है, जो प्लूरल होते हैं उसमें कुछ भी नहीं लगता। और अगर डू नोट आता है तो डू नोट लगाएंगे प्लूरल के साथ, ठीक है। जो प्लूरल होते हैं आई वी दे और यू के साथ, इस तरीके से, ठीक है। और सिंगुलर के साथ डस नोट लगाएंगे। अगर यस्टरडे लास्ट एगो लिखा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना। ऑलरेडी या थ्राइस या ट्वाइस आया तो हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, क्योंकि हो चुका है, परफेक्ट काम होता है। दीज डेज नाउ लिखा आ जाएगा तो आप इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। अगर जैसे सिंस या फोर आ जाता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है, तो आपको हैव बिन या हैज बिन लगाना हैज बिन भी हो सकता है, जैसे ही शीट आ जाए, ठीक है। तो वर्ब की फसों में आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है। और आपको पता होगा सिंस का लगाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम बात करें जनवरी की, तो ये मंथ फिक्स है ना, तो सिंस लगेगा। लेकिन अगर मैं 2 मंथ की बात करूंगा तो वहां पे फोर लगेगा, 2 मंथ की बात करूंगा तो फोर लगेगा, और अगर जनवरी फरवरी की बात करो तो सिंस लगेगा। ऐसे अगर मैंने बोला 2 डेज तो वहाँ फोर लगेगा, लेकिन बोला कि 5 दिसंबर 4 दिसंबर तो वहाँ पे सिंस लगेगा। तो निश्चित वाले की जगह पे सिंस लगाया जाता है, और जहाँ अनिश्चित होता है, जो पक्का नहीं होता, वहाँ फोर लगाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला 1999 तो ये निश्चित है तो सिंस लगाया जाएगा, लेकिन अगर मैंने बोला 5 ईयर्स 10 ईयर्स तो वहाँ पर फोर लगाया जाएगा, ठीक है। और देखो अगर बिफोर लिखा तो बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, अगर पास्ट टेंस है पेरेंट है तो हैज हो जाएगा या हैव हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली पास्ट में आता है ये, ठीक है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, ठीक है, तो द पेशेंट हैड डैड बिफोर डॉक्टर केम, ऐसे। तो अगर आफ्टर आ जाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद ये जो वैन है, वैन आ जाता है तो नॉर्मली जो है इसमें इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। बाकी सेंटेंस पढ़ के आप पता लगा लेना। टुमारो नेक्स्ट डे लिखा आता तो विल या शैल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, फ्यूचर टेंस का होता है ये। उसके बाद देखो मैंने ये लिखा है अ पर्सन मेट लास्ट वीक, और अगर इसकी जगह अगर किसी प्लेस के बारे में एक्सप्लेनेशन आ जाएगा तो आप ये हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ठीक है, जैसे मतलब आप ना एक पिछले हफ्ते किसी फ्रेंड से मिले, या आपसे बोल देगा कि किसी जगह के बारे में आप डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, तो इस तरीके से लिखा कि सब में फिट कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी अपने जैसे ऐड कर देना, क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा, आप ये कॉपी करो, ठीक है, थोड़ी डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि हर बच्चे हर तरीके के होते हैं, तो सबको ध्यान में रखकर किया गया, ठीक है। बाकी इंटेलिजेंट को छोड़ के थोड़ा है ना, तो आगे देखो थोड़ा, मतलब जो बहुत ज़्यादा ही मतलब जिनको सब अच्छे से आता है, जो एवरेज है, जो इंटेलिजेंट हो रहे हैं उनके लिए स्पेशल है, तो जो इंटेलिजेंट बन चुके हैं उनके लिए तो फिर और अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, है ना। तो देखो वन डे आई डिसाइडेड टू विजिट कनॉट प्लेस, एक बार मैं कनॉट प्लेस गया। आप इसकी जगह लास्ट वीक भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में लास्ट वीक लिखा आएगा तो, ठीक है। इट इज़ वेरी बिग कमर्शियल सेंटर, ये बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर है दिल्ली का, ठीक है। इट इज सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर शेप में, इट वॉज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1930 से 1930 में बनाया गया था, और देयर आई मेट विद माई फ्रेंड, फिर मैंने फ्रेंड का डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि फ्रेंड का, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जैसे अगर फ्रेंड वाला आ जाए तो उसमें भी कवर कर जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे मैंने फ्रेंड की भी बात डाल दी कि मैं अपने फ्रेंड राहुल से मिला। वी सॉ लार्ज वेरायटी ऑफ शॉप्स, वहाँ बड़ी बड़ी शॉप्स देखी, थिएटर्स देखे, शॉपिंग सेंटर्स देखे, वी ऑल्सो वॉच मेट्रो रेल देखी, वी टॉक्ड अबाउट अवर पास, हमने पास के बारे में बातें करी, ठीक है। देयर वी सॉ हैवी ट्रैफिक, वहाँ पर हमने हैवी ट्रैफिक देखा एट ऑल आवर्स ऑफ डे, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वो भी हमने देखी। हमने ये भी देखा कि वहाँ जनपथ है, पालिका बाजार है, जंतर मंतर है, ठीक है। और देयर आर ऑल्सो एक्सीलेंट थिएटर, वहाँ हमने एक्सीलेंट बड़े बड़े थिएटर भी देखे, रीगल प्लाजा, ठीक है, इस तरीके से और भी देखे। तो वी ऑल्सो विजिट हम फेमस गुरुद्वारा बंगला साहब भी गए, बंगला साहब भी गए, ठीक है। उसके बाद आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट विद माई ओल्ड फ्रेंड, में बहुत ज़्यादा खुश था, हम घर लौट गए, ठीक है, और हमने एक दूसरे से मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। बाकी आप और बना के लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहो, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप ये करो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, क्योंकि फिक्स नहीं होता है।
ठीक है, माय नेक्स्ट डोर नेबर, मेरा जो साथ का जो पड़ोसी है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करना है, तो ये भी दे रखा था, तो थोड़ा बहुत लिख दिया कि नेबर आर पीपल हु लिव बिसाइड अवर होम, नेबर वो लोग होते हैं जो हमारे साथ घर के साथ रहते हैं, ठीक है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इन एमरजेंसी जब अभी कभी इमरजेंसी होते हैं तो दे हेल्प अस एंड ट्राई टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इमरजेंसी में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, शादी पर पढ़ के याद हो जाए, वी कैन इजिली शेयर अवर प्रॉब्लम्स, हम अपनी प्रॉब्लम को इजिली शेयर कर सकते हैं, और सुनने अगर 3-4 बार सुनोगे कान में लीड लगा के तो होता था पक्का याद हो जाएगा, माई नेक्स्ट डोर नेबर इज वेरी गुड, मेरे जो नेक्स्ट डोर जो नेबर हैं बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, आप नाम भी इसमें लिख सकते हो, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, अवर फैमिली वेन एवर, ठीक है, और फैमिली हमारी हेल्प फैमिली की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, फिर वेन एवर वी गो आउट, जब हम बाहर जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, गो आउट ऑफ स्टेशन, तो दे टेक केयर ऑफ हाउस, हमारे घर की देखभाल करते हैं, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, हम फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है, इन इमरजेंसी कभी इमरजेंसी आती है तो वी हेल्प ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, डे टू डे प्रॉब्लम्स में, ठीक है, समझा, और ये वी शेयर डे टू डे प्रॉब्लम्स, हम जो है एक दूसरे को डे टू डे प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं, वी ऑल्सो सेव एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट को भी सेव करते हैं बाय कार पुलिंग, मतलब एक साथ गाड़ी में चले जाते हैं तो हम उसकी भी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा बहुत, अब मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, देखो ये पेपर है मिड टर्म का पिछले से पिछले साल का 2018-19 का, तो देखो ये पैसेज ऐसे आई थी, अभी से मैं बताऊंगा नहीं, बस देख लो आप, ठीक है, तो ये पैसेज आई थी, तो उसके बाद जो है ये क्वेश्चन थे उसमें से ढूंढ के करने थे, अब तो सारे एमसीक्यू में आया करेंगे क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, बाकी इस पेपर को आप देख लो, इस पेपर में आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर आए थे ना लास्ट में इसमें पेपर में देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, बस इस बार ये कि सारा एमसीक्यू में मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, अब कुछ इस पेपर में हम डिस्कस कर लेते हैं, ये जो ऊपर ग्रामर है ना ये तो आएगी नहीं आपके एग्जाम में, लो कौन सी पोएम आई थी, देखो पोएम में आपको राइमिंग वर्ड आने चाहिए, राइमिंग वर्ड आपको आते हैं ना, पोएम में राइमिंग वर्ड पूछ लेता हूँ, पोएम और पोएट का नाम पूछ लेता है, राइमिंग वर्ड होते हैं ना जैसे मैट कैट बैट रैट है ना, वुड वुड, तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है राइमिंग वर्ड, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ क्योंकि कई बार ए बी में पूछ लेता है, ठीक है, देखो ये कैट लिखा है, ये बैट लिखा है, ये बुक लिखा है, ये टुक लिखा है, ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे राइमिंग वर्ड बताओ कैसा है, तो देखो दोनों की साउंड एक जैसी है, कैट बैट, तो दोनों में एक जैसे बार ए लिख देंगे, और यहाँ लिखा बुक टुक तो ये बी बी, तो आंसर क्या आ गया इसका, ए बी आ गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझ में आ गया, एक और देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैट, ठीक है, जरूरी नहीं कैट वैट ये आएगा, कुछ और आ सकता है, ठीक है, मैट, यहाँ मैंने बुक लिखा, यहाँ मैंने रैट लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने टुक लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने हैट लिख दिया, अब आपसे पूछ रहा हूँ कि राइमिंग वर्ड बताओ, मतलब राइमिंग सीम कैसे बनेगी, तो आप ध्यान से, कोई ये कैट तो पहले आया तो पहली साउंड है ए, ये मैट इसी की जैसी साउंड है तो यहाँ पर भी ए लिख दिया, बुक ये नई साउंड आ गई तो इसे बी नाम दे देंगे, फिर रैट आ गया ये पुरानी वाली साउंड है तो इसे ए ही बोलेंगे, ये टुक आ गया ये वाली साउंड है तो यहाँ बी बोलेंगे, और हैट ये पहली वाली साउंड है तो ए, तो आंसर इसका क्या आ गया, ए ए बी ए बी ए, समझ में आ गई, इसका आंसर क्या आ गया, ए ए बी ए बी ए, तो आप पता है कैसे पता लगाओगे राइमिंग वर्ड, ये ना हमेशा लास्ट में लिखे होते हैं, ये लास्ट वाले वर्डों में देखना, अगर होगा तभी आएगा, तो लास्ट वाले वर्डों में लिखा होगा, ठीक है, आई बाई, ठीक है, साई, ये देखो आप ध्यान देखो यहाँ पे लिखा ना साई आई बाई हैंस डिफरेंस, अब बताओ यहाँ पे कौन सी राइमिंग स्कीम है, साई, देखो ये पहली आवाज आ रही है ना साई, इसे ए दे देंगे, हैंस, तो हैंस का क्या होगा, ये नई साउंड आ गई तो इसे बी नाम दे दिया, आई पहले वाली साउंड है ए, तो बाई में पहले वाली साउंड है ए और डिफरेंस में हैंस वाली साउंड है तो बी, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए बी ए ए बी, इस तरीके से बताना पड़ता है क्योंकि आ सकता है तो इसलिए बता दिया, ठीक है, बाकी पोएम और पोएट का नाम आ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन कौन से आए थे कैसे आए थे, ठीक है, तो ये सब है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी वीडियोस आप देखना जरूर, थैंक यू।